ओके फ्रेंड्स, तो सम थ्योरीज रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन आर एज फॉलोइंग। अब हमें इसमें थ्योरीज पढ़नी है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं एज अ फॉलोइंग, पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, इसको आपको पॉइंट्स की तरीके से याद करना है, आपके लिए उतना ही ज़्यादा मतलब कि आसान रहेगा जितना आप जो कहेंगे कि पॉइंट्स के हिसाब से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं इसको। पहला है, एवरी स्टूडेंट हैज़ द इनहेरिटेंट राइट ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब पहला पॉइंट ये कह रहा है, हर एक स्टूडेंट को, भले ही वो कैसा भी, भले वो इंक्लूसिव है, भले ही वो स्पेशल नीड वाला है, भले ही वो नॉर्मल है, मतलब कैसा भी स्टूडेंट हो, हर किसी को राइट है कि वो एजुकेशन लेगा और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जितनी कि नॉर्मल लोगों को कराई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नो स्टूडेंट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेट विद इन द एजुकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड अदर। ऑल स्टूडेंट कैन लर्न एंड बिलीव फ्रॉम एजुकेशन। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको लर्न करवाया जाना चाहिए और उनको उस पर एजुकेशन के ऊपर बिलीव करवाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, स्कूल अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स रादर देन द स्टूडेंट अडेप्टिंग टू द नीड्स ऑफ स्कूल। मतलब कि इस पॉइंट का मतलब क्या, पहले आप इसको ध्यान से समझो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि बच्चों को अपनी नीड्स के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, स्कूल को बच्चों की नीड्स के हिसाब से चेंज होना चाहिए। मतलब ये है, कोई सिचुएशन है, बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत है, बट स्कूल में वो चीज़ अब अगर नहीं है तो उसको ठीक, मतलब उसको प्रोवाइड कराना चाहिए टीचर्स को, ना कि टीचर्स को बच्चों को ये बोलना चाहिए कि अभी ये चीज़ यहाँ पे है नहीं इसलिए आपको प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए। मतलब कि बच्चों को उस चीज़ से कभी भी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, इसलिए उनको जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हों उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिफ्थ पॉइंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द स्टूडेंट्स यूज सोर्सेज ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी। मतलब कि इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं, मतलब कि पर्सन टू पर्सन जो चेंजेस होते हैं, उसको कभी भी बच्चों के मतलब बीच में नहीं लाना चाहिए कि आप पुअर हो या रिच हो या फिर जो कुछ भी कह लो। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, रिच या पुअर या फिर उसका स्टेटस हाई है उसका स्टेटस लो है या फिर उनकी डाइवर्सिटी अलग अलग है, इसको कभी भी बच्चों के अंदर कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए कि ये चीज़ आप लोगों की कमज़ोरी है कि वो पर्सन रिच है और आप पुअर हो, उसकी जो सोसाइटी में स्टेटस है उसका हाई और आपका लो है। इसको एज एक पावर भी कह सकते हैं लोगों को कि आप इसको गुड मतलब कि आइडिया भी समझ सकते हो। कैसे, अगर अगला इंडिविजुअल जो आपके साथ है, आपके साथ पढ़ रहा है, आपके साथ लिख रहा है, ठीक है, तो उसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। आप इसको पॉजिटिव वे में लोगे कैसे, कि मतलब कि अगर मान लो आपका साथ वाला बंदा रिच है और आप मिडिल क्लास फैमिली में से हो और अगर आप फ्रेंड्स हो तो आप अपनी कई सारी चीज़ें जो हैं शेयर कर लेते हो। ज़रूरी नहीं रिच पर्सन के पास हर एक वो चीज़ होगी जो आपके पास हो, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो उसके पास नहीं हैं। तो आप आपस में एडजस्टमेंट करके भी उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अगर आप अलग अलग डाइवर्सिटी से आते हो, मान लो कि आप राजस्थानी हो और आपका फ्रेंड पंजाबी है, तो आप उसके कल्चर की कुछ चीज़ें सीखोगे और वो आपके कल्चर की कुछ चीज़ें सीख लेगा। तो इसके जो मतलब है उसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। तो सिक्स पॉइंट है हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग इंक्लूसिव स्कूल्स इन्वॉल्व्स। मतलब कि जो इंक्लूसिव स्कूल बनाने की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा देना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट वन टाइम इवेंट। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंक्लूसिव का जो कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ना कि एक वन टाइम इवेंट है।
मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इंक्लूसिव जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर उनको स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करा दी बस हो गया। आप मान लो एक तरीके से चैरिटी प्रोग्राम नहीं कर रहे हो ये कोई कि आपको शो ऑफ करना है, ज़रूरी नहीं इसको शो ऑफ ही कहेंगे, बट कई बार होता है कि लोग अगर चैरिटी भी करते हैं तो उसको भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालते हैं जिससे कि लोगों को पता लगे कि आप चैरिटी कर रहे हो। चैरिटी का मीन्स ये होता है कि आप हेल्प कर रहे हो, और हेल्प किसी को पता लगे या ना लगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बात यही कही जा रही है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होने चाहिए, मतलब कि उनकी एजुकेशन कभी भी स्टॉप नहीं करानी चाहिए किसी भी तरीके से, जितना हो सके उनको सपोर्ट करो ताकि उनकी एजुकेशन जो है वो आगे से आगे चले, ठीक है। और ये कभी भी वन टाइम इवेंट नहीं है कि एक बार उनकी एजुकेशन स्टॉप करवा दी और उसके बाद फर्दर 2 ईयर्स लेटर आपने उनकी एजुकेशन को फिर से रीस्टार्ट करवाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग एंड सस्टेनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स इन द वर्क ऑफ स्कूल। मतलब कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, भले ही वो सभी तरीके के स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या फिर कम्युनिटी मेंबर्स हो। कम्युनिटी मेंबर्स यानी कि कम्युनिटी स्कूल की भी हो सकती है, कम्युनिटी सोसाइटी की भी हो सकती है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर पार्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, प्रोवाइडिंग द एक्सेसिबल करिकुलम, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, द प्रोविजन ऑफ फुल्ली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट एंड सपोर्ट। अब मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है उनके लिए जितना अच्छा हो सके उतना ज़्यादा करिकुलम ड्रॉ करवाना चाहिए, जितनी हो सके टीचर को उतनी ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाई जानी चाहिए, फिर मतलब कि सभी स्टूडेंट्स को हर तरीके से उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए या फिर उनको भी लेनी चाहिए। इनके लिए एनवायरनमेंट और जो सपोर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था नाइन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि मतलब कि उनका जो करिकुलम है, उनके जो टीचर्स हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। सो 10th और लास्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो टीचर्स हों वो मतलब कि स्पेशल नीड्स वाले हों, वो भी कई बार वो भी नॉर्मल टीचर्स होते हैं, और कई बार नॉर्मल स्टूडेंट्स की क्लास में भी कई बार स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, भले ट्रेनिंग दोनों को प्रोवाइड कराई जा रही है, बट दोनों को ऐसे सरकमस्टांसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिसमें मतलब कि जो अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा इंडिविजुअल हो आ रहा है कि वो नॉर्मल है आपके, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर आप लोग नॉर्मल हैं और आपके पास कोई स्पेशल नीड वाला इंडिविजुअल आ रहा है, तो आप दोनों सिचुएशन में रेडी होने चाहिए उनकी हेल्प के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का इतना ही वीडियो था हमारा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करो, अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।